कैटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और जावास्क्रिप्ट की क्लास है और इंट्रोडक्शन हमारी हो चुकी है। आज हम क्या करेंगे, जावास्क्रिप्ट का यूज करेंगे एचटीएमएल के द्वारा। एचटीएमएल की जरूरत पड़ती है हमेशा, समझ रहे ना, तो जानते ही आप। तो सबसे पहले बीएस कोड वाला ओपन कर लेंगे, तो फाइल ऑन नहीं हुआ है अभी। आ जाएगी एक मामले एक फाइल ले लीजिए। जावा डॉट एचटीएमएल करके आज हम शिफ्ट वन नहीं दबाएंगे, आज हम शिफ्ट वन नहीं दबाएंगे। आज डायरेक्टली हम काम करेंगे कोड से। डायरेक्टली मैंने एचटीएमएल का टैग लगाया गया है, एचटीएमएल इधर मारिए, टैग ओपन और क्लोज हो गया। और इसके भीतर आपका हेड सेक्शन, और हेड के भीतर क्या लगेगा, टाइटल है ना। हाँ, स्क्रिप्ट दिया पहले, उसके बाद है स्क्रिप्ट भाई। उसके बाद से है आपका स्क्रिप्ट। तो क्या टाइटल में डाल दीजिए, टाइटल जो भी डालना है। टाइटल क्या डालना है, जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट यस। और क्या करना है इसमें, और स्क्रिप्ट के भीतर कोई काम करना है। जैसे मान लो, मतलब कोई कोई चीज लिख रही है, तो ऐसे ही मान लीजिए, तो जैसे कि लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसमें ये सब लिखना पड़ेगा। ये थोड़ा थोड़ा अलग लगेगा आप लोगों को, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट राइट है ना। अकाउंट वाला गलत लग रहा है क्या, पहला ही ले जाए। इसमें सबसे बड़ा ये दो दो देता है। हाँ ये वाला होगा, वार्ड अकाउंट राइट, देख रहे हैं ना। दो डॉक्यूमेंट दिया था ना, वार वाला लेना है राइट। और इसमें कुछ लिख लीजिए आपको, जो भी स्ट्रिंग। अच्छा, जो भी स्ट्रिंग, इसमें क्या दिक्कत है, जो भी स्ट्रिंग लिखते हैं उसको इनवर्टेड कामा या डबल कामा में। जैसे लिखा हेलो जावा, जावा हमारे इसको रन करा दिया। कुछ यहाँ आउटपुट आ रहा है, हाँ यहाँ कुछ आउटपुट आ रहा है, देखिए कुछ आउटपुट नहीं आ रहा है, क्योंकि यही है, यहाँ पे स्ट्रिंग का यूज किया जाता है। इनवर्टेड कामा डबल इनवर्टेड कामा के भीतर जब लिखेंगे तो ही काम होगा, डबल कामा डबल कामा। कंट्रोल से सेव करिए, अब देखिएगा लिखिए कोड, लिखिए स्टार्टिंग वाला। इसमें शिफ्ट वन दबा नहीं दबाना है इस बार, इस बार यही करना है, लिखिए कोड, लिखिए इसमें। देखिए जब जब स्ट्रिंग का इस्तेमाल करेंगे इनवर्टेड कामा नहीं रहा, वो नहीं होगा। अच्छा सिंगल यूज करके देखिए, तो देखिए कंट्रोल ऐसे सेव करिए। अभी देखिए तो सिंगल या डबल दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। लिख लीजिएगा डॉक्यूमेंट में हमेशा वार लिखा हुआ है, वार डॉक्यूमेंट लिख लीजिएगा आप, वार डॉक्यूमेंट ही होना चाहिए। अब एक फाइल बनाया जाए,
ये इंटरनल हो रहा है, जो भी काम इसमें करेंगे इंटरनल होगा। जैसे नहीं सीएसएस में अलग फाइल बनाए थे, तो एक नाम बना लिया जाए, एक अलग फाइल बना लिया जाए इस नाम से, STYLE स्टाइल, सेम नाम वही हो जाएगा, डबल ई कर दे रहा हूं, डॉट क्लियर। बन गई एक सीट, बन गई जेएस के नाम से, ठीक है। और हमने क्या किया इसमें, स्क्रिप्ट के भीतर ही इसको हटा के एक और स्क्रिप्ट लगा दे, क्या स्क्रिप्ट के भीतर इस स्क्रिप्ट को हटा दिया गया, इसको हटा के और इसमें क्या किया है, SRC का यूज किया, सोर्स का यूज कर लिया। किसका यूज कर लिया है, सोर्स का, इसके भीतर SRC में किसको लिंक करना है, स्टाइल कौन सा, डॉट सीएसएस लिंक करके कंट्रोल एस सेव कर दिया, लिंक हो जाएगा। अच्छा कब तो मारेंगे लिंक हो गया, जब बताइए कब मारेंगे लिंक हो गया, बताओ संदीप कब माना जाएगा ये लिंक हो गया है, जब आप पॉइंटर ले जाएंगे और यहाँ पे लिंक देगा कि कंट्रोल के साथ क्लिक करिए। जैसे कंट्रोल के साथ क्लिक करके अगर उस फाइल पे पहुंच जा रहा है, उस फाइल पे पहुंच जा रहा है, तो मतलब कि क्या हो चुका है, हमारा दोनों पेज क्या हो चुका है, लिंक हो चुका है। लिखिए इस बात को, इस चीज को भी लिख लीजिए, स्क्रिप्ट वाले के भी तक को SRC लगाना है, ऐसे करना है, आपको भी इसी नाम से बनाना है, स्टाइल डॉट, चूंकि एक ही फाइल हाँ उस पेज पे चला जाएगा। ये तरीका है पहचाने का, हाइपरलिंक का जानते हैं ना कंट्रोल के, तो लिंक का मतलब यही होता है लिंक। अच्छा जैसे व्हाट्सएप पे रहते हैं, मैं किसी एप्लीकेशन का आपको लिंक देता हूँ और टच करते हैं तो तुरंत प्ले स्टोर पहुंच जाते हैं ना, हाइपरलिंक का काम यही होता है, एक लिंक पेज से दूसरे पेज को जोड़ने का। तो लिंक करने का मतलब यही, इस पेज से उस पेज को जोड़ दिया गया, तो जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे अब वहां जो काम करेंगे, जैसे मान लीजिए इसको मैं मिटा दिया, सब मिटा दे रहा हूँ, बस एक व्हाट्सएप हाई वाला रहने दे रहा हूँ, कंट्रोल से सेव कर दे रहा हूँ, सर यहाँ पे आ रहा है सिर्फ व्हाट्सएप हाई, व्हाट्सएप है, ये लिख क्या रहा है जो पैराग्राफ वाला दिए हैं। अब थोड़ा हम उस पेज पे आ गए, यहाँ कुछ भी लिखिए, तो यहाँ कुछ भी लिखिए, जैसे मान लो लिख दिया स्क्रिप्ट, आ रहा है स्क्रिप्ट, आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, कुछ भी नहीं होने वाला यहाँ पे, तो डायरेक्टली लिखिए कुछ भी। जैसे मान लो हम लिख दिया, एक हेडिंग दे दी, मान लो H1 दे दिया, H1 भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, यहाँ होगा क्या, एडिशनली काम होंगे जो भी होंगे, कि आपको क्या दोनों वैसे मान लिंक हो गया, HTML ये दिया हुआ, देखो हेलो स्वामी याहू बाबा, ये सब गूंगो वाला है, याहू बाबा उसका नाम है, बहुत बढ़िया चैनल ये भी है, याहू बाबा बताएंगे आपको। अब यहाँ पे आप हेडिंग दे दीजिए, मान लीजिए स्टाइल चेंज कर दिया जाए, क्या चेंज किया जाए, उसका स्टाइल बदल दिया जाए, या नॉर्मली लिख देना यहाँ पे जो हेलो, ना पैराग्राफ दे सकते हैं ना कुछ भी, कुछ भी ऐसा आपको नहीं दे रहा है, क्या लगा है, स्टाइल लगा दे क्या, स्टाइल सी हाँ, नहीं नहीं टैग ओपन करके नहीं लगेगा, तो आ ही नहीं रहा कोई ऐसा चीज आएगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ब्रैकेट ओपन किया और लिख दिया, क्या क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड, हमने भी लिख दिया हेलो वर्ल्ड, अब देखिएगा ध्यान से, तो इसको क्या लगाना पड़ेगा, इनवर्टेड काम है, और यहाँ पे भी काम, आप चाहे तो पहले ही कर लेते तो ज्यादा बेहतर होगा, फिर से करिए, डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट वेरिएबल डॉट राइट और वन किया। देखिए एक फायदा क्या होता है पहले लगाने में, कि एक लगाएंगे ना तो अपने आप दोनों लग जाएगा, ये फायदा है, लगाया और लिख दिया हमने हेलो
हेलो फ्रॉम हेलो जीआईटी, बस जीआईटी लिख दिया। अच्छा एक चीज देखिए, कंट्रोल ऐसा सेव किया, इसको मैंने रन करा दिया। राइट वाले कुछ गड़बड़ लग रहा है, सिग्नल अलग दिख रहा है। आ गया ना सब। हेलो जीआईटी। अच्छा एक चीज नोटिस करिए, जो पहले लाइन में लिखा हुआ है हेलो वर्ल्ड और हेलो जीआईटी, ये दोनों आपस में चिपक जा रहे हैं। दो लाइन लिखे ना हेलो वर्ल्ड हेलो जीआईटी, तो इसमें भी वही जो एचटीएमएल में यूज किए थे बीआर टैग का, उसी का इस्तेमाल करेंगे बीआर टैग का। और चाहते हैं मैं थोड़ा इसको अलग लुक दे दूं, अलग तरीके से लिख दूं, जैसे कि थोड़ा सा इटैलिक टैग का इस्तेमाल कर दिया, तो इसके भीतर क्या करेंगे, आई टैग का इस्तेमाल करेंगे। बस और यहाँ आई टेक, और यहाँ आई टेक क्या क्या कर देंगे, बस कर दिया। कंट्रोल से सेव करिए, देखिए कुछ आउटपुट में चेंजिंग आ रही है, आई नहीं रहा है। इन्वर्टेड कामा के अंदर होना चाहिए, क्योंकि इन्वर्टेड कामा के बाहर होगा तो वो चीजें दिखती ही नहीं है। तो एक काम किया जाए, कंट्रोल जेड कर दिया, जेड कर दिया, इसके भीतर लगा दिया आई टैग, और यहाँ पे क्या कर दिया, क्लोज कर दिया फॉरवर्ड स्लैश लगा के आई टैग। अब देखिएगा कंट्रोल से सेव करिए, तो अब आपको आउटपुट दिख रहा होगा। देखिए हेलो जी आई टी मुड़ गया है। अच्छा मुड़ने के बाद काफी चिपक गया है, दिन के लिए क्या करेंगे, इसके भीतर जो भी काम करना होगा इस स्ट्रिंग के भीतर ही करना होगा, इनवर्टेड कामा के भीतर ही लगा दिया। कौन सा टैग, बी आर टैग कहाँ लगा दिया बताइए, यहां लगा दिया जाए। हाँ कंट्रोल यस, देखिए बिहार टैग अंदर थोड़ी लिखा जाता है, लास्ट में लगा जाता है ना, ये बाहर नहीं लिख पाएंगे, स्ट्रिंग के बाहर नहीं लिख पाएंगे। जैसे पहले ये था कि पहले लिख लेते थे ना, अब बिहार टैग मैं हटा दे रहा हूँ, देखिए बिहार टैग मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ये नहीं काम कर पाएगा। कंट्रोल यस, देखिए कुछ ना कुछ एरर आ जाएगा आपको, देखिए गायब भी हो गया, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। तो जो भी काम करना है आपको कंट्रोल जेड इसके भीतर करना है। अब देखिए आपको, तो देखिए हेलो जी आई टी जो लिखा हुआ है वो मुड़ा हुआ है। अच्छा इसको बोल्ड भी करना है हेलो जी आई टी को, तो हम क्या करेंगे, बी टैग, टैग तो वही हो रहा है, नाम नहीं चेंज होने वाला है, क्या कर दिया बी टैग यहाँ पे भी, देखिए मतलब इसे क्या समझ में आ रहा है कि जो काम करना है उस इन्वर्टेड कामा के भीतर, यानी उस स्ट्रिंग के भीतर ही काम करना है। अच्छा कोड देखो कितने लिमिटेड कोड लगे हैं, कोई खास कोड ऐसा नहीं लगा है जिससे बहुत टाइम टेकिंग हो, कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, स्विफ्ट बंद दबा के कोड लेते आते थे, बाद में हटा के लिखते थे, इस बार तो सारा काम उससे कर रहे हैं, कम कोड में हम अपना काम कर रहे हैं, यही है जो स्क्रिप्ट की आसान चीज बनेगी। इसमें बहुत सारी चीजें बनेगी, अभी तो ये पहला पेज बना रहे हैं हम लोग, बहुत सारी चीजें बनाएंगे हम इस पर, तो दिक्कत है लेकिन हाँ इसमें लिखने के लिए ये सब लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट वगैरह वगैरह, या सीधा सीधा पी टैग का इस्तेमाल करें। पी टैग कहाँ लगेगा, बॉडी के भीतर लगेगा, बॉडी के भीतर आप पी टैग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या डॉक्यूमेंट डॉट राइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट का इस्तेमाल करेंगे तो वेरिएबल जो भी लिखेंगे आप इन्वर्टेड कामा या डबल इन्वर्टेड कामा के भीतर लिख रहे हैं। तो एक लाइन बस हिंदी में इंग्लिश में जो भी लिखिएगा लिख दीजिएगा, कि हमेशा जो भी चीज करेंगे वो डिटेलिंग अंडर लाइन कुछ भी लगा रहा है इसके भीतर रहेगा, डबल इनवर्टेड कॉमा के भीतर रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। देखिए यहाँ पर सब लिखा हुआ है, हेलो वर्ल्ड भी लिखा हुआ है। अच्छा बी आर टैग अगर कई बार लगा दें, अगर मान लीजिए थोड़ा सा जो आउटपुट आ रहा है हमारा, ये आउटपुट आ रहा है ये बहुत पास ही आ रहा है ना, मतलब एक ब्रेक तो हुआ है, एक ही लाइन चेंज हुई, और लाइन की संख्या को और बढ़ाना है तो बी आर टैग को और भी बढ़ा सकते हैं, क्या करेंगे एक बार और बी आर टैग लगा देंगे, एक लाइन और ब्रेक हो जाएगी,
कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, आप खुद देख लीजिए आउट ठीक है। यानी जितना हम बी आर टैग लगाएंगे उतनी लाइन क्या होगी वो छूटी जाएगी, जैसे इंटरकनेक्शन की लाइन चीज होती जा रही है वैसे करेंगे, बढ़ा दीजिएगा इसको भी रिमोट कर लीजिएगा। अगर एक और बी आर टैग बढ़ा दे तो क्या होगा, और बढ़ाइए तो और बढ़ जाएगा, एक और बी आर बढ़ा दीजिए जैसे सेव देखिए आउटपुट देखिए। जितनी बार बी आर का इस्तेमाल करेंगे उतनी लाइनें क्या हो जाएंगी चेंज हो जाती है। हो गया वो चलेंगे ना, यही है जवाब। अभी बहुत सारी चीजें हैं बढ़ती जाएंगे ये सब पढ़ेंगे आप, सिंगल लाइन मल्टीपल लाइन कमेंट वगैरह भी पढ़ेंगे उसमें स्क्रिप्ट। कमेंट से क्या होता है जानते हैं, जो चीज जैसे हाइड करना चाहते हैं हाइड, हाँ हाईलाइट करने के लिए, नहीं हाइड भी करने के लिए, हाइड कर दिया जाए बताया था आपको, तो इसका भी था सिंगल लाइन कमेंट मल्टीपल लाइन कमेंट वो भी दिखाएंगे आपको ठीक है। अभी अभी नहीं, धीरे धीरे ठीक है, इतना कर लेंगे आज ना।